आज हम लोग हैं दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा पर, हमारे साथ अनिल कुमार और तमाम समाज सेवी हैं। अनिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब बाबा साहब इस धरती को छोड़कर गए थे तो करोड़ों की लाखों की संख्या थी, और कार्ल मार्क्स गए थे तो बहुत चुनिंदा लोग थे, अगर 20, 25, 50, 100, 200 भी कहा जाए तो शायद ज़्यादा होंगे। तो क्या कारण है कार्ल मार्क्स को आज इतने बड़े नेटवर्क पर हम लोग देखते हैं, और बाबा साहब जो संविधान रचयिता थे जिन्होंने तमाम दुनिया भर के काम करे, उसके बावजूद भी उनका प्रचार प्रसार इतना कम क्यों? प्रचार प्रसार तो बहुत हुआ है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कम हुआ है। अगर प्रचार प्रसार ना होता उनके तो विचारधाराओं की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बाबा साहब की विचारधारा का भी बहुत प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। उसका कुछ कारण है कि जिस तरह से मोजेस के फॉलोअर्स ने मोजेस की 10 वो कमांडमेंट नहीं माने, इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ नहीं मानी, जो मान्यवर काशीराम साहब के फॉलोअर्स ने मान्यवर काशीराम साहब की 5 प्रतिज्ञाएँ नहीं मानी, बुद्ध के मानने वालों ने बुद्ध का धम्म नहीं अपनाया। ये एक बेसिक बात है, बुद्ध की बात तो करते हैं लेकिन बुद्ध का धम्म जो है, जो पंचशील है, त्रिशरण है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं हैं, उन पारमिताओं को वो चीज़ अपनाया नहीं जीवन में। अगर अपनाया होता तो उनका कल्याण हो जाता, और जब अपनाओगे नहीं, सिर्फ कहोगे नमो बुद्धाय, जय भीम कहोगे, उससे नहीं होता। अगर जीवन में उतारेंगे तो कल्याण होगा। और ये मुझे दिखता है कि अगले 5-10 साल में भारत का बुद्धमय होना निश्चित है। उसका एक कारण है कि जो जिस तरह से आप भिक्षु संघ को देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या रही भारत में बुद्ध धम्म के ना फैलने का कारण बाबा साहब के जाने के बाद, कि जो बाबा साहब ने उस समय ही जो क्वेश्चन मार्क किया था कि धम्मम शरणम गच्छामी, मैं कैसे कहूँ भंते जी, क्योंकि धम्म और संघ तो बना ही नहीं है। धम्म है, बुद्ध हैं, लेकिन संघ नहीं बना कुछ। अब संघ बनाने का काम ये जो चल पड़ा है, ये जो भिक्षु संघ गांव-गांव जाएंगे तो बुद्ध का संघ बनेगा, जब संघ बनेगा तभी बुद्ध धम्म का प्रचार होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।